ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइबर के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये आपके दौरे हैं या अभी ऐसे ही जनरल दौरे हैं? देखिए, चुनाव का अब बहुत कम समय है, वहाँ हमारी पूरी तैयारी भी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी और हमारे साथ 45 लगभग दल हैं और मैंने ये तय किया है सबने मिलकर के, जितने भी सेकुलर लोग हैं हम लोगों से बात करें और बात करने करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसे हिंदुस्तान से हटाना है। बस ये तय किया है, उसी के लिए हम लोग जो हमारी चाहे रैली हुई, लखनऊ की रैली हुई और पूरे सभी मंडल में 18 मंडल में हमारे साथ साथ कार्यक्रम हो चल रहे हैं और जनता ने हम लोगों के प्रति जो भीड़ हो रही है तो जनता ने हम लोगों के प्रति विश्वास किया है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति तो जनता में और सरकारों के प्रति, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इनके तो प्रति विश्वास उठ गया है। इन्होंने कोई वादा पूरा किया नहीं। लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी ही आपको ताकत दे रही है पीछे से। देखिए, हमने हमेशा आज से नहीं 40-45 साल से हम ने काम किया है नेताजी के पास, समाजवादी और समाजवादी रहे, हमेशा भारतीय जनता पार्टी से लड़े। अभी आपने देखा था जब ये अयोध्या में इकट्ठे हो रहे थे तब भी हम लोगों ने गवर्नर के यहाँ धरना दिया, सड़क पर निकले, विरोध किया और देखे नोएडा में और बंगलोर में इन्होंने जब पार्कों में नमाज के लिए रोक लगाई तब भी हमने वहाँ पर विरोध किया, हर स्तर पर इनका विरोध किया। महंगाई के जो बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसके प्रति भी हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोज सड़कों पर बोल रहे हैं। न तो बहुजन समाज पार्टी बोल रही है, न समाजवादी के कोई निकल रहे हैं, हम लोग तो सड़कों पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। और फिर आपको पता है कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी से मिल करके मायावती जी ने सरकार बनाई, मोदी जी के गुजरात में जाकर के राखी बांधी, लखनऊ में लालजी टंडन जी के राखी बांधी। अच्छा, वो लोग हमें बी टीम बताएं, तो उन पर कैसे भरोसा किया, कौन भरोसा करेगा उन पर? और टिकट बेचे जाते हो जहाँ पर, तो और फिर उनका क्या ठिकाना, अगर थोड़ी ताकत में आए तो वहीं चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकते हैं, न मिल सकते हैं, न मुझे कोई खरीद सकता है। शिपाल जी, कल आपने बोला था कि मेरा चुनाव निशान चाबी है और सत्ता की चाबी हमारे पास है, अगर आपकी सरकार बनती है तो मुलायम सिंह को आप प्रधानमंत्री के आगे करेंगे? देखिए, हमारे कई दल हमेशा रहा, हमारी जगह चली होती तो नेताजी कई बार प्रधानमंत्री भी बन जाते और राष्ट्रपति बन जाते, लेकिन हमारे समाजवादी के लिए और बड़े नेता हमने जब देखिए गठबंधन किया था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आ गई, उसके बाद मैंने देवेगौड़ा, नीतीश, लालू, शरद, ओम का चौटाला, कमल मुनार का, फिर अजीत सिंह, फिर ये अंसारी पर जितने भी छोटे छोटे दल थे सब मिल गए थे। उन्होंने राष्ट्रीय नेता भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सेंट्रल पार्लियामेंट का अध्यक्ष मान लिया था, तो उसी के प्रति बिहार की सरकार बनी थी लालू और वो उस तरीके से अगर चुनाव लड़े होते और इससे पहले भी हमारे समाजवादी लोगों ने नेताओं ने गलतियां की, नेताजी बहुत पहले प्रधानमंत्री बन जाते। तो अभी बुआ भतीजा का जो गठबंधन है, क्या उसको भी गलतियां मान रहे हैं?
देखिए मैंने जो कहा उन पर भरोसा किया नहीं जा सकता है बहन जी, ये भी समाजवादी पार्टी की गलती ही मान रहे हैं आप इसको, और क्या गलती पर गलती। और कहाँ देखिए कहाँ 232 से आ गए 47, और कहाँ हमारे कहाँ 36 हैं, एक बार MP जीते थे, 3 उपचुनाव जीते तो 39, तो वहाँ आ गए 5, तो गलती पर गलती करेंगे तो क्या हो। और हमारे जो जो पार्टी थी समाजवादी पार्टी है, जो डेथ वारंट लिख रहे थे उस समय, दस्तखत नहीं कर रहे थे, बयान दिया था, अब फिर बोल रहे हैं, अभी बोल रहे थे कि पूर्वांचल में जाएंगे, हैं तो हमारे बड़े भाई अच्छा ये 38 पिटेंगे पीटेंगे, ये हो सकता वो पीट भी नहीं पिटवाएंगे वो समाजवादी पार्टी क्या करें, वो बर्बाद यही है। महागठबंधन तो हुआ नहीं, समाजवादी पार्टी को उन्होंने बर्बाद किया है। महागठबंधन की जो बात चल रही थी, महागठबंधन तो हुआ नहीं, कांग्रेस के साथ इन्होंने लिया नहीं, और केवल सपा बसपा जिनके में आप भी गवाह हैं कि उस समय आप लोगों के साथ क्या हुआ था विवाद सपा से या बसपा का, और फिर सपा से उन्होंने हाथ मिलाया है। चलिए उनका कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं, कैसे विश्वास कर लिया, क्या ये लोग भाजपा को हटा पाएंगे। शिवपाल जी देखिए भाजपा को केवल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, अन्य जो है और जो सेकुलर लोग हैं, और उनसे हम बात करेंगे, उनसे बात होगी, यही मिल करके भाजपा को हटा देंगे। शिवपाल जी बिल्कुल हटा